नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार मिश्रा आप सभी का एग्जाम फोड़ू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम लोग 3 सेकेंड में क्यूब रूट निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। बस आप केवल 5 मिनट तक पूरी कंप्लीट वीडियो देख लें, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है महेश भाई विजित मिश्रा, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम पर मैं आपको मैथ का पीडीएफ और बहुत सारे क्वेश्चन सेंड करता हूं और क्विज भी सॉल्व होता है इस पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग अपने कंसेप्ट पर। जैसे यहां पर मैंने ये बता रहा हूं कि देखिए, अगर आप वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम तो 1 से 20 तक का क्यूब मतलब घन याद होना चाहिए। क्यूब का मतलब होता है घन, इतना तो याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैंने ये लिख दिया है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर याद कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल होता है। आप वहां पर क्यूब निकालना कठिन काम है एग्जाम में, तब भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्यूब हमने लिख दिया है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। आइए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, ठीक है, तो हमें यह देखना है कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है। और अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हम फाइंड कर लेते हैं, वो तो नंबर देख के आपको पता चल जाएगा, तो हमें आंसर का यूनिट डिजिट क्या लिखना है, वो तरीका क्या होना चाहिए, यहां पर मैंने आपको समझाया है। ठीक है, जैसे कोई नंबर का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर उसका यूनिट डिजिट 2 है तो 8 हो जाएगा। कुल मिला के एक बात समझिए, अगर 1, 0, 5 या 4, 6, 9 ये नंबर है तो इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, ये बात मैंने आगे लिखा है, बट यहां भी समझ लो। बस आपको यह समझना, कहीं अगर 2 लिखा है तो 8 लिख देना है, और कहीं 3 लिखा है तो क्या लिख देंगे, 7। कहीं 8 लिखा है तो 2, और कहीं 2 लिखा है तो 8। कहीं 3 लिखा है, 3 लिखा है 7, और 7 लिखा है तो क्या लिख देंगे, 3। यही बात मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताया है कि अगर क्वेश्चन में 2 आता है, ध्यान देना, क्वेश्चन में 2 आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे उस आंसर में, 8। अगर क्वेश्चन में 8 आता है तो हम लोग आंसर में क्या लिख देंगे, 2। एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, क्लियर हो गया होगा। अगर 3 आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7, और अगर 7 आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बस इतना जाना, 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आ जाए तो उनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। 0, 1, 4, 5, 6, 9 चेंज सिर्फ होता है, बस आपको ये याद रखना है कि चेंज क्या होता है। चेंज होता है 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, बस ओनली इतना चेंज होता है। आइए सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरफ से आप 3 डिजिट छोड़ दीजिए, आप इधर 3 डिजिट हटा दीजिए। इसके बाद आप देखिए क्या बच रहा है, तो आप देख रहे हैं बच क्या रहा है, 1। पहले अभी 1 की बात बाद में करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8। तो अगर इसका यूनिट डिजिट 8 है तो हम लोग आंसर का यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, तो आप समझ रहे होंगे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्या होना चाहिए। जैसे बच गया 1, तो आपको यह देखना है कि 1 किस रेंज के अंदर आता है। जैसे मान लो 1 का क्यूब आप करते हो, किसके क्यूब के रेंज में आता है, तो अगर आप 1 का क्यूब करते हो तो 1 होता है, 1 होता है, और अगर आप 2 का क्यूब करते हो तो क्या होता है, 8। तो हमेशा मेरी कोशिश ये रहेगा जो भी नंबर यहां बचा रहेगा वो देखेंगे हम लोग कि वो किसके क्यूब से कम है, ठीक है, वही क्यूब लिखेंगे यहां पर। जैसे यहां पर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, तो 8 ज्यादा चला गया, 1 से ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाला नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कम वाला लिखेंगे, याद रखना। जैसे यहां पर देखिए 5 है,
तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन 3 डिजिट छोड़ देना है, 3 डिजिट छोड़ देना है, बाकी बच गया क्या 3। तो 3 किसके क्यूब के पास पड़ेगा, तो आपका 1, 2 का क्यूब तो 8 हो जाता है ना, तो ज्यादा गए ना आप, आपको कम लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप, तो यहां लिख देंगे आप 1। ठीक है, ये 33 का क्यूब भी होता है, आप याद भी रखिए। जैसे यहां पर है 7, तो 7 है तो क्या आएगा 3, हमने बोला था कि 3 होगा 3 होगा तो 7 आएगा, और 7 है तो 3, 2 होगा तो 8 आएगा, 8 है तो 2। बाकी 3 डिजिट 3 डिजिट छोड़ दीजिए, रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, अब बचा 2। तो 2 तो आप देख रहे हैं कि 2 का क्यूब तो 8 होता है ना भाई, ज्यादा चला गया ना, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो आप कहोगे सर 1 लिखेंगे, कम लिखेंगे। यहां पर लिखिए, देखिए यहां पर 3 डिजिट लीजिए, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट लेते हैं तो कितना होगा 1, 1 है तो 1 ही होगा, 9, तो देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब कितना हो 8, 3 का क्यूब 27 होता है, ज्यादा नहीं लेना है, मतलब ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे, छोटा वाला क्यूब लेंगे, छोटे वाले कौन सा नंबर का क्यूब है। यहां 5 है, 3 अंक हटा देना है, 5 है तो 5 ही आएगा, अब बचा 421। तो आप सब लोग जानते होंगे कि 5 का क्यूब क्या होता है 125, ठीक है, और 7 का क्यूब क्या होता है तो आप 343 होता है, और 8 का क्यूब 512 होता है, ये ज्यादा जा रहा है तो हम लोग 7 लिखेंगे, 7 का क्यूब ना 7, 7। इसके बाद हम लोग देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या है 6, तो हम लोग 6 लिखेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 का 6 ही होता है। 3 डिजिट छोड़ देंगे, 97, 97 किसके क्यूब के पास देखिए आप, तो आप 8 का क्यूब करेंगे तो ज्यादा जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, ज्यादा हो गया, इसका मतलब आप लिखेंगे 5 से पहले क्या पड़ा 4, 4। यहां 7 है, 3 डिजिट छोड़ दीजिए, 7 है तो 7 लिखेंगे, बाकी ये 250, तो 250 मतलब किसके क्यूब के पास पड़ेगा, तो आप कहोगे सर अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं 64, 5 का क्यूब करता हूं तो 125, और अगर 6 क्यूब करते हैं तो 216, 7 का क्यूब 3, 7 का क्यूब ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब यहां पर 6 होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर 3 देखें, 3 डिजिट, तो ये 6 रहेगा, लेकिन यहां पर 884 है, अगर मैं 9 का क्यूब देखूं तो ये होता है 729, और अगर मैं 10 का क्यूब देखूं तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000। आपको सीधे समझ में आ रहा है कि भाई 729 कम है, तो यहां पर 99 लिखेंगे, 96 का ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको पूरी बात क्लियर रहे। जैसे यहां पर 3 अंक छोड़ देंगे और यह 8 है तो आप लिखोगे क्या 2, बचा 140, तो 5 का क्यूब 125 आता है और 6 का क्यूब 260, ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब 5 लिखोगे। यहां पर आप 1 है, ध्यान देना 1 है, 1 है तो 1 ही लिखेंगे, बच गया 751, किसके क्यूब के पास पड़ रहा है, तो अभी आपको बताया कि अगर मैं 9 का क्यूब करता हूं तो 729 आता है ना, 729, क्लियर है, तो 729 कमी है, और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। हमने कहा था कम वाला लेते, मतलब 9 वाला लेंगे, 9 हो जाएगा 91। इसी तरीके से यहां देखेंगे 3 अंक में 2 है तो क्या आएगा 8, 314, तो अगर मैं 7 करता हूं 7 का क्यूब तो 343, और 314 लिखा है, 7 ज्यादा जा रहा है इसका मतलब 6 लिखेंगे, 68 का क्यूब होगा ये। इसी तरीके से हम लोग देखें तो यहां पर 3 अंक छोड़ दीजिए, 7 है तो 3 आएगा, ठीक है, और 4 बच रहा 4 अंक, ये 1092, 1092 मतलब सीधे दिख रहा है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 क्यूब आप सब लोग जानते होंगे 1331, याद करिए, तो यहां पर 10 का क्यूब 1000 तो इसका मतलब 10 ही लिखोगे। लास्ट वाला देख लेते हैं, और मैं तो ये बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि आपको हमें समझ में आए कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा है
और समझा है तभी आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, और अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और एग्जाम फूड यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। बस आज के लिए बस इतना ही।